नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसे लेकर दुनिया भर के देश हरकत में आ गए हैं। पहले खबर जानिए और फिर जानिए कि इस पर क्या है प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत की प्रतिक्रिया और क्यों एक भारतीय मूल के नेता के हारने पर चीन परेशान हो गया है। खबर ब्रिटेन से, जहां लिज ट्रस को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया है। ट्रस के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दुनिया भर के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत कई वर्ल्ड लीडर शामिल हैं। लेकिन चीन इससे नाखुश है, मानो वो ऋषि सुनक की हार से दुखी हो गया है। दरअसल चीन की सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिज ट्रस को बधाई देने की जगह नसीहत देनी शुरू कर दी है। लिज ट्रस को ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद का लर्निंग ड्राइवर बताया है। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया ने यह भी कहा है कि उन्हें अपना मुंह खोलने से पहले दिमाग को गियर में डालना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल कि चीन नाराज क्यों है, तो वो भी जान लीजिए कि दरअसल ग्लोबल टाइम्स लिज ट्रस के चीन विरोधी रुख को लेकर भड़का हुआ है, क्योंकि ट्रस ने अपने प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रचार के दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और इसी से बौखलाए ग्लोबल टाइम्स ने व्यंग करते हुए लिखा, पूरा ब्रिटेन सामूहिक हड़ताल पर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ढह रही है, शिक्षा और उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई लोगों को दिवालिया बना रही है। ऐसे में कई लोग सवाल करेंगे कि क्या ट्रस के पास वो है जो लोगों को चाहिए। ग्लोबल टाइम्स यही नहीं रुका, वो लिखता है, ये देखना बाकी है कि क्या वो अपनी पार्टी के सदस्यों को खुश करने के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा कैसे करेंगी। क्या वो इस बारे में कभी सोच भी सकती हैं जिनके दम पर वो खुद को पीएम पद पर निर्वाचित करवा पाई हैं। चीन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पर भयानक भड़का हुआ है, भले ही सरकारी मीडिया के जरिए ही सही हमले भी बोल रहा है। अखबार के दावे के मुताबिक लिज ट्रस की तरह चीन को ब्रिटेन के नेशनल पॉलिसी के लिए खतरा मानती है और चीनी अखबार का मानना है कि उनका ये रुख चीन को लेकर ब्रिटेन की विदेश नीति को नया रूप देगा और माना जा रहा है कि ट्रस ने सुनक को हराने के लिए एंटी चाइना सेंटीमेंट का इस्तेमाल किया है। हालांकि अब चीन ने नसीहत दी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अपने चीन विरोध बयानों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि चीन उनके लिए एक बुरा सपना हो सकता है। बहरहाल चीन के साथ भारत के ताजा संबंधों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय मूल के सुनक भले ही पीएम ना बन सके हों, लेकिन ट्रस कम से कम चीन के मामले पर भारत के साथ खड़ी जरूर दिख सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।